नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। चरिया अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की पेपर लीक के मामले में बड़ी खबर सामने आई है, उसको लेकर के ये जो अपडेट है उन सभी की बात यहाँ पर करेंगे कि 3 दिन पहले एक्चुअल में पेपर लीक हो गया था, और बाकी अपडेट की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ईओयू ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसकी बात करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, इसमें इन्होंने बताया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा अंतरराज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव के द्वारा दिया गया था घटना को अंजाम। उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 मार्च 2024 को आयोजित बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा गठित जो विशेष टीम थी उसके द्वारा जाँच के क्रम में दिनांक 14 मार्च 2024 को पटना और 15 मार्च 2024 को हजारीबाग झारखंड में छापेमारी की गई थी। इसमें पेपर लीक से संबंधित अभियुक्त और अभ्यर्थी सहित कुल 266 की गिरफ्तारी की गई थी। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना थाना संख्या दिनांक 16 मार्च 2024 धारा संख्या और बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 इसके तहत मामला दर्ज किया गया था। कांड के त्वरित अनुसंधान और शामिल सभी अभियुक्त जो थे उनकी गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया था, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा किया जा रहा था। गठित विशेष टीम द्वारा अग्रतर अनुसंधान, पकड़ाए गए जो अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ, आसूचना संकलन, तकनीकी, इन सभी में ये पाया गया कि घटना का जो मास्टरमाइंड था वो एक्चुअल में डॉक्टर शिव कुमार उर्फ शिव उर्फ बिट्टू संजीव कुमार इनके गिरोह द्वारा प्रश्न पत्र का लीक कांड को अंजाम दिया गया था। तत्काल कई टीमों को इनकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। डॉक्टर शिव पूर्व में भी 2017 में नीट यूजी के परीक्षा पत्र लीक कांड का अभियुक्त जो है ऑलरेडी रहा है। इस संदर्भ में पत्रकार नगर थाना संख्या 7/5/2017 में ये मामला ऑलरेडी दर्ज भी है। पत्रकार नगर थाना के कांड में इसका सह अपराध कर्मी जो था वो आपका शुभम मंडल उर्फ शिवम मंडल, वो भी यहाँ पर लिखा है कि इसी के साथ ये लगातार कई महत्वपूर्ण सरकारी जो संस्थान है उसकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक फर्जीवाड़ा के कांडों को अंजाम देता आ रहा है। इसी वर्ष राज्य उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसके प्रश्न पत्र लीक कांड में भी इन दोनों की संलिप्तता सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे तो इसी से संबंधित अगली अपडेट भी है कि एक्चुअल में 3 दिन पहले ही लीक हो गया था शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। पटना से ले जाने के दौरान नवादा में ही स्कैन किया गया था प्रश्न पत्र। जागरण और न्यूज पटना से है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई जो शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की जो परीक्षा थी TRE 3, इसका प्रश्न पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले ही जो है वो लीक हो गया था। सोचिए, एक तरफ ऐसा था कि जहां कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, और जब जांच हुई तो रोज नए नए खुलासे यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। प्रश्न पत्र को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पटना से नवादा भेजा जा रहा था, और इसी दौरान कुरियर कंपनी और ड्राइवर की साठगांठ से नगर नौसा के बुद्धा फैमिली रेस्तरां में प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया गया था। ईओयू ने पूरे पेपर लीक का उद्भेदन कर दिया है, और अधिकारियों के अकॉर्डिंग इस पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो उज्जैन से गिरफ्तार हो चुका। अंतर्राज्यीय प्रश्न पत्र गिरोह का जो वैली नाम वगैरह था वो हमने ऊपर अभी आपको बताया भी। बाकी बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा समेत और भी परीक्षाओं में इसमें ये संलिप्त थे, और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। कई चरणों में पूछताछ वगैरह हुई है। पेपर लीक करवाने के धंधे में काफी टाइम से लगे हैं, लगातार इसी में रहते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई की जा रही है। प्रश्न पत्र के परिवहन की क्या व्यवस्था है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में इन्हें पता चल गया था कि प्रश्न पत्र के परिवहन की जिम्मेदारी जो है वो DTTC कुरियर कंपनी को मिली है। इसके लिए कुछ गाड़ियां श्रीनिवास चौधरी से भी ली जानी थी, तो बेसिकली सारी जानकारी जो है यहाँ पर इकट्ठा कर ली गई थी, उसी के बाद ये चीजें अंजाम दी गई। इसी प्रकार जो नीट पेपर लीक हुआ है उसकी भी जांच EOU ने संभाल ली है, उसको लेकर के भी SIT गठित कर दी गई है, और वही बात यहाँ पर लिखी है। अगली अपडेट आपकी है जिसमें सिपाही भर्ती परीक्षा के BPSC पेपर लीक से भी जुड़े तार, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर बताया, और बाकी लगभग वही सारी चीजें हैं। शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र किया था स्कैन, वो भी हमने बताया। कुरियर कंपनी कर्मियों के जरिए BPSC पेपर लीक हुआ है, पटना से न्यूज है, इसमें भी वही लगभग सारी चीजें बताई हैं कि कैसे सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पेपर लीक को अंजाम दिया गया।
अगला आपका अपडेट एमबीबीएस शिव शिक्षक भर्ती पेपर लीक का खलनायक खुलासा, और यहाँ पर भी वही बातें यहाँ पर जो है वो की गई हैं, जो सारी बातें आपने ऊपर जो है वो देखी। अगली अपडेट है नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली, अर्हता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएगी शामिल। प्रयागराज से न्यूज एजेंसी में बताया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली जो है आपकी बनाई जानी है, इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पुरानी लंबित भर्तियां पुरानी नियमावली के तहत ही कंप्लीट होंगी, तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को इनको समाहित किया गया है। और जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अनुदेशक भर्ती और परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती है वो भी नया आयोग ही करेगा। शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी, और सभी भर्तियों के लिए जो अर्हताएं हैं वो भी आपकी अलग अलग यहाँ पर जो है वो होंगी। तो नई अर्हता को लेकर के मतलब और ज्यादा टाइम जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और इस साइड देखेंगे तो यही बातें लिखी गई हैं कि इसमें लंबी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा, यानी प्रक्रिया लंबी है, सो अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। बाकी आयोग के गठन से पहले जो भर्ती हैं उनकी बात ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी तेजस्वी। बक्सर से न्यूज है जिसमें शहर के किला मैदान में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन की सभा हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने ये बयान जो है वो दिया है कि वो लगातार नौजवानों को सरकारी नौकरी जो है वो मिलेगी। ये चीज अच्छी है कि विपक्ष के जितने भी हैं सभी रोजगार की बात लगातार कर रहे हैं। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।